विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज व्यवस्था कर रहे थे, भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। आज थोड़ा निर्वाचन आयोग के संबंध में या अन्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का गठन, भाई सबसे पहले ये याद कर लेते हैं कब हुआ था। तो 25 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से एक दिन पूर्व किया गया था निर्वाचन आयोग का गठन। 25 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से एक दिन पूर्व किया गया था। इसी कारण वर्ष 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन तो यही बनता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर 25 जनवरी। संविधान में निर्वाचन आयुक्त पद के लिए किसी प्रकार की योग्यता अथवा उसके लिए शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्या इलेक्शन कमिश्नर क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर शपथ लेते हैं? कोई प्रावधान नहीं है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई योग्यता होती है? कोई प्रावधान नहीं है। बस लिखा हुआ, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं है, मौन है संविधान इस बारे में। क्या है? तो संविधान में निर्वाचन आयुक्त पद के लिए किसी प्रकार की योग्यता अथवा उसके लिए शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस लाइन को आपने खास ध्यान रखना है। चुनाव की अधिसूचना, अलग अलग पॉइंट बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं। चुनाव की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन लोकसभा व राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा व विधान परिषद के लिए राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। जो अधिसूचना जारी होती है चुनाव की, लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति, विधानसभा और विधान परिषद के लिए राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न किए जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषदों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संपन्न होते हैं, जिसमें मतदान गुप्त होता है। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय मीन प्रोपोर्शन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये मैं राष्ट्रपति के समय में पढ़ा चुका हूँ, बार बार एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। पर यह ध्यान रखना है आपने कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से किन किन के मतदान होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से या गुप्त मतदान किस किस के होते हैं। तो आपने बोलना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यक समूहों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। इस प्रणाली से सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य समाज के प्रत्येक समूह को समुचित अनुपात में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। अतः जहां देश में मात्र 2 दल हैं या द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, वहां यह महत्वहीन हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो व्यवस्था है वो किन देशों में महत्वहीन हो जाती है जहां पे सिर्फ 2 ही दल होते हैं? जैसे इंग्लैंड है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव, क्या है ना, तो 2 दल होते हैं कई देशों में। हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है। ये भी पढ़ना आगे चलकर आपने कि 2 दल बेटर होते हैं या बहुदल बेटर होते हैं, मतलब ज्यादा अच्छा क्या होता है, बहुत सारे दल अच्छे होते हैं देश में या सिर्फ 2 ही दल अच्छे होते हैं? तो क्या बोलेंगे आप? बहुदलीय व्यवस्था अच्छी होती है। और जब बिखरावा मैंडेट मिलता है, तब बिखरावा मैंडेट मिलेगा तब क्या होगा? तब 2 दलीय व्यवस्था, इधर भी और उधर भी। तो इस पर लिखना होता है आपको कि बहुदलीय व्यवस्था अच्छी होती है या 2 दल वाली व्यवस्था अच्छी होती है किसी देश में, वो आगे चलकर पढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे पढ़ना है आपने वीएन ताराकुंडे समिति 1980, डेट याद कर, मतलब सन याद करना आपने कि ताराकुंडे समिति कब की है, 1980 की है। दिनेश गोस्वामी समिति कब की, 1990 की है। दिनेश गोस्वामी समिति 1990, के संथानम समिति और इंद्रजीत गुप्त समिति ये 1998 की है। इनका संबंध जो है चुनाव सुधार से है। निम्नलिखित किन किन का संबंध चुनाव सुधार से है, किन किन समितियों का संबंध चुनाव सुधार से है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें ताराकुंडे समिति है, वीएन ताराकुंडे समिति, दूसरी दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है, संथानम समिति और इंद्रजीत गुप्त समिति। अब ताराकुंडे समिति ने जो सिफारिशें की थी वो क्या क्या की थी? ताराकुंडे समिति की सिफारिशें मोटी मोटी बता रहा हूं मैं।
एक तो कहा था कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए, क्या 21 से घटाकर 18 वर्ष की जाए ताराकुंडे समिति। दूसरा कहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाए, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाए। अगला बोला था चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया जाए। अगला बोला उम्मीदवारों के व्यय का लेखा जोखा रखा जाए, वरना कोई अमीर है धनाढ्य है तो वो तो पता नहीं कितना बहा देगा, पैसे के दम पर जीत जाएगा, तो उम्मीदवारों के व्यय का लेखा जोखा रखा जाए। साथ में बोला रेडियो और दूरदर्शन पर प्रचार के लिए समय दिया जाए। ये सब सिफारिशें जो की थी वो किसने की थी, ताराकुंडे समिति ने की थी, ठीक है। ऐसी दिनेश गोस्वामी समिति बड़े इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा था मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो आप देख रहे हैं जिसपे इलेक्शन हो रहा है, तो ईवीएम का प्रयोग किया जाए, क्या किया जाए, मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाए, लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन किया जाए, सरकारी निधियन किया जाए, किसमें, लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराए जाए। तो देखो ना, दिनेश गोस्वामी समिति की वजह से आपके पास क्या है, वोटर आईडी कार्ड है। दिनेश गोस्वामी समिति के कारण क्या है, ईवीएम पर आप क्या कर रहे हो, वोट कर रहे हो, वरना तो नया नया बच्चा जब 18 साल का जाता था तो उसकी समझ भी नहीं आता था करना क्या है ना, हाथ कांपते थे कई बार दो उसके बीच में, क्या इनवैलिड हो जाता था उसका वोट, ईवीएम में इनवैलिड नहीं होता है, ठीक है। अब आप चाहोगे कि तीन बटन एक साथ दबाएं, नहीं दबेंगे, एक ही दबेगा, क्या होगा, 6 माह के भीतर भरे जाने। अच्छा, साथ में बोला कि फोटोयुक्त परिचय पत्र उपलब्ध कराए जाए, लोक प्रतिनिधियों के रिक्त स्थानों को 6 माह के भीतर भरा जाए, लोक प्रतिनिधियों के रिक्त स्थानों को 6 माह के भीतर भरा जाए। ये सब सिफारिशें की थी किसने, दिनेश गोस्वामी समिति ने, ठीक है। तो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ये, दूरदृष्टा होते हैं, देश विदेश की खबर रखते हैं क्या हो रहा है कहाँ पर, तो उस हिसाब से अपने देश में भी क्या करना चाहते हो, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, जो आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने की प्रयास करते हैं और जो आपके लिए भी सही रहता है, ठीक है। वरना तो पहले तो बड़ा गड़बड़ था भाई, बूथ कैप्चरिंग भी होती थी और वो जो वोट क्या बोलते हैं किस पर बैलेट, बड़ी दिक्कत होती थी उसमें, जो अशिक्षित थे उनके लिए तो बड़ी समस्या थी, क्या थी। अगला, चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने की सिफारिश के संथानम समिति ने की थी। भाई उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तो रखी जाए कम से कम, क्या रखी जाए, आप बिल्कुल क्या हो, अशिक्षित हो, आपकी समझ में नहीं आ रहा, कागज पत्र नहीं आ रहा, ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाएगी, फिर तो क्या हो जाएगी। इसलिए बोला था संथानम समिति ने कि भाई उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तो कम से कम निर्धारित करो, लेकिन मैंने कहा ये होगा नहीं दरअसल, इसलिए नहीं होगा क्योंकि कई लोग क्या हो जाएंगे, फिर बाहर हो जाएंगे उसमें से, ठीक है। और उनका कहना यह है कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि एक अशिक्षित व्यक्ति भी क्या है, लोकसभा में बैठ सकता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग अशिक्षित हैं लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन खाली बोलने से तो देश चलता नहीं है, है ना। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग को मान्यता प्रदान किया गया तथा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव अधिसूचना से चुनाव परिणाम आने तक चुनाव कार्य में लगे सभी अधिकारियों पर निर्वाचन आयोग का नियंत्रण होगा। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं जब इलेक्शन होता है तो एक तो बहुत ज्यादा पावर्स आ जाती है उनके पास, है ना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन गए आप और आपको पता चल रहा है कि कहीं पर गड़बड़ हो रही है, गोली मारने के आदेश भी दे सकते हो आप, लाठी चार्ज के आदेश भी दे सकते हो, है ना, आपके पास इतनी शक्तियां जाती हैं। लेकिन अगर आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आपकी नौकरी खतरे में, और फिर आपको ये बोला जाता है कि आपने वहां पहुंचना है, तो तब आपने ये नहीं बोलना है कि बारिश हो रही है जी, रोड ब्लॉक हो गई है या रास्ता नहीं है, जहां से भी मर्जी है जाओ लेकिन वहां पहुंचो, आपको क्या कराना है, इलेक्शन कराना ही कराना है, समझ में आया। तो इस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के अधीन कर दिया गया है, कब, इलेक्शन के दौरान जब अधिसूचना जारी होती है तब से और चुनाव परिणाम आने तक, ठीक है। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित
घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि यानी जमानत राशि खो देता है तो इसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। क्या थी? नहीं बोलते जमानत जब्त हो गई, क्या बोलते हैं? जमानत जब्त कब होती है भाई? अगर आप वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, जितने भी टोटल वैध मत पड़े हैं उनका अगर 1/6 नहीं प्राप्त कर पा रहे हो तो आपकी जमानत जब्त। जमानत राशि क्या होती है? जब आपका नामांकन होता है तो उस समय कुछ राशि जमा करनी पड़ती है, ज़्यादा नहीं होती है, कुछ हज़ार में होती है। देख हाँ जी, पहले चेक कर लीजिए कितनी होती है, लोकसभा के लिए कितनी होती है, राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है, उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होती है, ना अलग अलग पढ़नी है। बल्कि राष्ट्रपति का तो ये भी पूछा गया था कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कहाँ पर जमा होती है? RBI में होती है जमा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 1/6 प्राप्त नहीं करते हैं आप तो जमानत जब्त, समझ में आ गया? अब बहुत सारे लोग लड़ेंगे तो जमानत जब्त ही होगी। अगर 100 लोग लड़ गए तो थोड़ा 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 वोट सब खाएंगे, 1/6 किसी को भी नहीं मिलेगा, है ना, किसी एक को जो जीतेगा वही मिलेगा उसको। अगला, लोक प्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार प्रत्याशियों की अंतिम सूची के प्रकाशन के पूर्व यदि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है, सुनिए भाई, लोक प्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार प्रत्याशियों की अंतिम सूची के प्रकाशन के पूर्व यदि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के किसी प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया जाता है, बल्कि संबंधित राजनीतिक दल को 7 दिन के भीतर किसी अन्य प्रत्याशी को नामांकित करने की सुविधा दी जाती है। कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर। और ये सिर्फ किन के लिए है? ये मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए है। अगर कोई निर्दलीय खड़ा हो रखा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए नहीं है ये नियम, ठीक है। लोकसभा में जमानत राशि 25,000, SC ST के लिए 12,500, विधानसभा में 10,000, राष्ट्रपति की 15,000, है ना। तो जमानत राशियां भी याद कीजिएगा अभी, ठीक है। अगला, एक बार पूछा गया कि निर्गम मत सर्वेक्षण, एग्जिट पोल बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? निर्गम मत सर्वेक्षण, एग्जिट पोल। अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। अब तो मना कर दिया गया एग्जिट पोल के लिए, है ना, कि पहले ही मत कर, जब तक पूरा इलेक्शन नहीं होता है तब तक, अलग अलग डेट पे होता है ना वोटिंग, अलग अलग डेट पे होती है। अब हम पहले ही बोलते हैं जी 400 पार ऐसे हवा बना दें तो पता चला दूसरे राज्य में भी लोग क्या हो जाए उसमें, तो इसलिए एग्जिट पोल मना किया गया तब तक के लिए जब तक कि सारी जगह जो अलग अलग डेट्स पर जो चुनाव हो रहे हैं वो संपन्न नहीं हो जाते उससे पहले ना, उसके बाद फिर आप एग्जिट पोल करते रहो, है ना, ठीक है। तो भाई जनमत सर्वेक्षण मतदान के पूर्व चुनाव के संबंध में मतदाताओं की राय जानने के लिए विभिन्न सर्वे एजेंसियों द्वारा कराया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि 1, कोई प्रत्याशी लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव में 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा, संसद या राज्य विधानमंडल की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए 6 माह के अंदर पुनः मतदान कराया जाएगा। तीसरा, नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि तथा मतदान की तिथि में कम से कम 14 दिन का अंतर होगा। नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तिथि तथा मतदान की तिथि में कम से कम 14 दिन का अंतर होगा। मतदान में 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा, कितने घंटे पूर्व, और जितने भी शराब के दुकानें हैं वो सब बंद कर दी जाएंगी 48 घंटे पूर्व पहले। कारण? हाँ जी, अरे दंगा नहीं, मतलब लोभ में लोभ ना दिया जाए शराब का कहीं, है ना, ये ना कहीं टोकन दे रहे हैं और आप जा रहे हो और क्या, हाँ जी फ्री में, और सुबह जाके सीधे क्या मतदान किसके पक्ष में, रातों रात सब कुछ पलट गया, है ना, रातों रात आपके खास हो गए कौन, आपको टोकन देने वाले, ठीक है, और बस
फिर तो इसका उल्लंघन करने वाले को 2 वर्ष का कारावास तथा 250 रुपये जुर्माना का दंड दिया जा सकता है। 250 रुपये बहुत कम है भाई, 2 वर्ष का कारावास तो ठीक है, पर 250 रुपये जुर्माना का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू किए जाने के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। कितना? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। इसलिए बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी उस समय, है ना। आर्टिकल 83(2) के तहत आपातकाल के दौरान संसद को एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है। संसद को आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष बढ़ाने की शक्ति किस आर्टिकल में है? आंसर आर्टिकल 83 ब्रैकेट में लिखना 2। ठीक है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद अपने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण की। ठीक है, इनसे पहले मोदी जी से पहले कौन थे? मनमोहन सिंह थे। उनसे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंडित नेहरू। ठीक है, विश्व के कुल 33 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है। कितने? तो क्या मतदान अनिवार्य होना चाहिए? हाँ जी, अनिवार्य होना चाहिए, तभी लोकतंत्र साकार होगा। हाँ? पक्का? कोई बीमार है? हाँ जी, किसी की टांगे टूटी हुई हैं तब भी, या कोई बहुत जरूरी काम में है, फंसा हुआ कहीं जाना है, बताइए भाई। SRT दूं आपको, एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको आज मतदाता दिवस है, माना मतदाता दिवस कर, आज मतदान का दिवस है, और उसी समय आपको फोन आता है कि आपने ब्लड देना है किसी को, क्या करना है? ब्लड देना है, और मतदान का समय भी वही है, सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक, और ब्लड देने का समय भी वही है, क्या करोगे? मतदान करोगे या ब्लड दोगे? अरे नहीं, उतना ही समय लगना है, बराबर। हालांकि ब्लड देने में मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, पर मैं एक सिचुएशन रख रहा हूँ कि मतदान का समय भी वही है और आपका ब्लड देने का समय भी वही है, तो आप क्या करेंगे? मतदान देंगे या ब्लड देंगे? हाँ जी, ब्लड देंगे। हाँ जी, वोट देने जाओगे? अरे ये है ही नहीं ना, दोनों में से एक चुनना है आपने, मतदान करोगे या ब्लड दोगे? तो अधिकतर लोग बोल रहे हैं ब्लड देंगे। कितनी बार दिया आज तक ब्लड आप लोगों ने? क्या SRT में ही ब्लड दोगे? भाई अगर आपने रक्तदान करना ही है तो अब तक कितनी बार किया है? कितनी बार किया है? नहीं किया है, तो कीजिए भाई रक्तदान, महादान, किसी की जीवन बच जाता उससे। चले भाई, अगला बता दूं मैं आपको। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व ही को ही जन प्रतिनिधित्व भी बोलते हैं। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा लोकसभा के सामान्य उम्मीदवारों के लिए 25,000 रुपये, कितने? 25,000 रुपये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उम्मीदवारों के लिए 12,000 रुपये, जबकि विधानसभा में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 11,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि सिक्योरिटी मनी का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिए क्या क्या बोल रहा हूं मैं। लोकसभा के सामान्य उम्मीदवार के लिए 25,000 रुपये, कितना? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवार के लिए 12,000 रुपये, कितने? 12,500 होना चाहिए मेरे ख्याल से, 12,500 होना चाहिए ना, 12,000 लिखा हुआ है यहाँ पे। विधानसभा के सामान्य उम्मीदवार के लिए कितना? 11,000 रुपये, और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए 5,000 रुपये जमानत राशि सिक्योरिटी मनी का प्रावधान किया गया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, EVM का आविष्कार MV हनीफा के द्वारा किया गया। ये ग्रुप सी के पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, आते हैं
MV हनीफा के द्वारा किया गया। इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन का नाम 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत कराया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का प्रथम प्रदर्शन 1979 में किया गया था। वर्ष 1982 में केरल विधानसभा चुनाव में थरूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशनों पर प्रायोगिक तौर पर EVM का इस्तेमाल किया गया, सर्वप्रथम किया गया। 1988 में सरकार द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करके चुनाव में EVM के इस्तेमाल को कानूनी बनाया गया। 1998 में राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार इसका प्रयोग विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। जून 1999 में गोवा विधानसभा का संपूर्ण चुनाव EVM से कराया गया। तो पहला राज्य जिसका पूरा चुनाव EVM से हुआ वो कौन है? गोवा। ठीक है। 14 मई 2004 को 14वीं लोकसभा के लिए संपन्न चुनाव ऐसे प्रथम आम चुनाव थे जिसमें लगभग पूरा मतदान EVM से कराया गया। तो हम लोग भाग्यशाली हैं, हमने बैलेट पर भी वोट किया, बैलेट पर भी वोट डाला और हमने EVM पे भी डाला। जब सन 2004 चल रहा था, नया नया उत्तराखंड बना था, है ना, जब इलेक्शन हो रहे थे तो बड़ा आनंद आया क्या करने में, EVM पर। और देखिए ना, दुष्ट लोग कैसे होते हैं, उन्होंने जो अलग अलग पार्टी के प्रचारक होते हैं तो उन्होंने ये कहा कि अब ऐसा होता है जो सत्ता में रहती है पार्टी उसका पहला बटन होता अधिकतर, कौन सा होता है, तो उन्होंने हमें कैसे डराया, उन्होंने कहा कि पहले बटन पर ना करंट आ रहा है वो मत दबाना, जैसे आप उंगली रखेंगे वैसे जोर का झटका लग रहा है। तो बहुत सारे लोग उसमें क्या हुए, अरे भाई बुजुर्गों को आप ऐसा बोलोगे करंट आ रहा पहले बटन में तो क्या होगा, बुजुर्ग लोग तो बेचारे डर जाएंगे। ऐसे हथकंडे भी अपनाते हैं दुष्ट लोग कुछ, ठीक है, तो दिक्कतें हैं भाई, इसलिए किसी की नहीं सुननी है जब आप वोट डालने जाते हो, अपने घर से जो सोचा है आपने वही क्या करना है, आपने वोट करना है ना। अब तो खैर डाल दिया आपने वोट। EVM की एक बैलेटिंग यूनिट को 16 प्रत्याशियों के लिए प्रावधान है, कितना, यदि उनकी संख्या 16 से अधिक हो जाए तो पहली बैलेटिंग यूनिट के साथ दूसरे बैलेटिंग यूनिट जोड़ दी जाती है, इस तरह कुल 4 बैलेटिंग यूनिट को आपस में जोड़ा जा सकता है। ये 16 वाला क्वेश्चन बना हुआ है, 16 प्रत्याशी, 16 ही तो प्रत्याशी होते हैं, इस तरह कुल 4 बैलेटिंग यूनिट को आपस में जोड़ा जा सकता है, अर्थात अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए EVM का प्रयोग किया जा सकता है। इससे अधिक प्रत्याशियों की संख्या होने पर EVM का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तब परंपरागत प्रणाली यानी मत पेटी और मत पत्र को अपनाना होगा। EVM अधिकतम 3840 वोट दर्ज कर सकती है, कितने, एक EVM में 3840 वोट दर्ज हो सकते, क्लियर हो गया। और एक EVM में जो प्रत्याशी नहीं होते, जैसे भाजपा का, कांग्रेस का, UKD का और क्या बोलते हैं अलग अलग पार्टियों का, तो ऐसे 64 प्रत्याशी, वैसे तो 16 होती है एक EVM में, लेकिन 4 को जोड़कर क्या बनाया जा सकता है, 64, यानी 64 प्रत्याशी का अगर खड़े हो रखे हैं तो फिर EVM से कराया जा सकता है। अगर 64 से ज़्यादा प्रत्याशी खड़े हो गए तो भाई फिर तो वही पुराना क्या, जैसे जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर आवे, है ना, वो करना पड़ता है। भारत में EVM का निर्यात नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी, केनिया जैसे देशों के लिए भी किया गया। कहाँ कहाँ, नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी, केनिया, है ना। और EVM का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर, बेंगलुरु बोलते हैं हम, और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में पंजीकृत राजनीतिक दलों के किसी उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 1 मतदाता द्वारा, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन कम से कम 10 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। इसके द्वारा 10 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। प्रस्तावक को उस चुनाव क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। ये नहीं कि आप केरला से लेके आ रहे हो उत्तराखंड, उत्तराखंड के उसी क्षेत्र का, अगर आपको यहाँ पर इस लोकसभा में उठना है तो आपको यहीं का क्या चाहिए, और आप क्या कर रहे हो, निर्दलीय उठ रहे हो अगर, है ना।
तो 10 मतदाताओं द्वारा, कितने मतदाताओं द्वारा भी, और वैसे उम्मीदवार का नामांकन जो पहले से पंजीकृत राजनीतिक दल है तो एक एक मतदाता द्वारा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान या राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने अथवा राष्ट्रीय गान में बाधा डालने के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति दोष सिद्धि से छह वर्ष तक लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता। जिसने क्या किया हो, भारतीय संविधान का अपमान किया हो, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया हो, राष्ट्रीय गान में बाधा डाली हो, या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया हो, तो 6 वर्ष तक लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता, ठीक है। चौथे परिसीमन आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कई बार होता है गलती से हो जाता है, तिरंगा झंडा उल्टा लगा दिया, क्या लगा दिया, और बुला दिया आपने विधायक जी को और सांसद जी को, उन्होंने फहरा दिया और किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो भाई उल्टा झंडा मतलब राष्ट्रीय संकट का प्रतीक होता है, राष्ट्र पर जब संकट आता है तब उल्टा झंडा लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, झुके हुए झंडे जो होते हैं शोक के प्रतीक होते हैं, जो झंडे का जो डंडा है अगर बीच झुका हुआ, मतलब ऐसे नहीं झुकाना है, बीच में लाया जाता है, थोड़ा नीचे कर दिया जाता है झंडे को, जब किसी बड़े क्या व्यक्ति की मृत्यु होती है देश में, राष्ट्रीय शोक जब बनाया जाता है तो जितनी भी सरकारी इमारतें होती हैं उसमें झंडे को क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, बोलते हैं झंडा झुका दिया गया, ठीक है। सन 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या का क्लियर नहीं हो रहा था, तो बाद में पता चला झंडा झुका दिया गया, तो कंफर्म हो गया कि दूरदर्शन ने कहा कि अब झंडा झुका दिया गया, इसका मतलब प्रधानमंत्री की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, वो जमाना था एक। आज तो आपके पास वो है ना, पहले तो टीवी में ही देखना पड़ता था, वो भी पड़ोस में जाकर, वो भी नीचे बैठकर जमीन में, बच्चों को तो दरी भी नहीं मिलती थी बैठने के लिए, कहाँ जाना पड़ता था भाई, पूरे मोहल्ले में एक कोई समृद्ध व्यक्ति होता जिसके यहाँ टीवी होता था, वो शटर वाला, वो नीचे बिठाता था, जालिम को ये भी दया नहीं आती थी कि बच्चों को ठंड लगेगी नीचे बैठने में फर्ज में, उसमें भी बड़ा वो दिखाते थे, वो क्या रौब दिखाते थे, क्या करें। पर जो आनंद उस पिक्चर को देखने में था बैठकर जमीन पर, है ना, वो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कौन से होते हैं सिनेमा हॉल से ऊपर, क्या होते हैं आजकल, अरे नहीं भाई PVR में भी नहीं आता वो मजा, है ना, अमोल पालेकर की पिक्चर, नसरुद्दीन शाह की पिक्चर, ये आती थी पहले टीवी, बहुत बड़े कलाकार थे, आप लोगों ने तो उन्हें बुढ़ापे में देखा, ठीक है भाई। तो चौथे परिसीमन आयोग का गठन सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई, ये तो चौथा परिसीमन आयोग जो बना था आपने, वैसे तो काफी पुरानी बात होगी, कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को चतुर्थ परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किए गए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लोकसभा में 543 सीटों में से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 84 और 47, कितनी 84 और 47 हो गई है, जबकि अनारक्षित सीटों की संख्या घटकर कितनी होगी, 412 रह गई है, कितनी रह गई 412। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की वर्तमान संख्या को 2026 के पश्चात, सुन लो, होने वाली जनगणना, कल यही समझा रहा था मैं आपको, 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना, यानी 2031 में तो होगी, पश्चात जनगणना तक अपरिवर्तनीय रखा गया है, किंतु इसमें यह प्रावधान किया गया है कि परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों को परिवर्तित तथा पुनर्गठित किया जा सकेगा, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल होंगे, क्या होंगे, शामिल होंगे। तो इसीलिए अभी तक सेंसस नहीं आया है, मैं कल भी इस बारे में बता रहा था आपको, ये 2026 के बाद ही आएगा, कब आएगा, क्योंकि लिखा हुआ था कि 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना तक, अब 2031 तक कौन इंतजार कर रहा है ना, सभी की उम्र बढ़ रही है भाई, धीरे धीरे सब क्या वृद्ध हो रहे हैं, रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पहले पहले बढ़ाना है, चलो। तो इसमें ये समझ में आ गया इतना जितना मैंने बताया आपको,
इसके बाद में आपको बताऊंगा आदर्श चुनाव संहिता क्या होती है, चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ कैसे माना जाता है, चुनाव सुधार क्या क्या हुए, ठीक है, अगले लेक्चर।